उत्तरी इसराइल पर हिजबुल्ला के भीषण हमलों की वजह से इसराइल दहला हुआ है। हर मिनट हर घड़ी लेबनान से रॉकेट ड्रोन और मिसाइलें इसराइल पर दागी जा रही हैं, जिससे अब वहां तबाही मची हुई है। और इस सब के बीच ऐसा माना जा रहा है कि शायद इसराइल हिजबुल्ला का सफाया करने के लिए लेबनान पर आक्रमण कर सकता है, लेकिन इस खौफ के बावजूद हिजबुल्ला कमज़ोर नहीं पड़ रहा है, बल्कि वो दोगुनी ताकत से इसराइल पर हमला कर रहा है। अब हिजबुल्ला ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें किरियत शमोना, कफार सोल्ड और मार्गेलियोट सेटलमेंट पर बड़ा हमला करने का दावा किया गया है। इसके अलावा हिजबुल्ला ने मिसगाव, अम और रामथा सैन्य चौकियों पर भी गोले बरसाए। हिजबुल्ला के इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे एक लॉन्चर में कई रॉकेट भरकर उन्हें एकाएक फायर किया जा रहा है। हालांकि वीडियो में आसपास के इलाके के धुंधला किया गया है, जिससे हमले वाले इलाके की गोपनीयता बनी रहे और इस लॉन्चर से एक बार में सैकड़ों रॉकेट इसराइल की तरफ फायर किए जा रहे हैं। इस हमले के अलावा हिजबुल्ला ने मेटुला सैन्य चौकी पर भी गोला बारूद से हमला किया है। हिजबुल्ला ने इसका एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें हरियाली के बीच हिजबुल्ला का एक लड़ाका ताबड़तोड़ रॉकेट फायर कर रहा है और ये रॉकेट बॉर्डर पार इसराइल की सैन्य चौकियों पर बरस रहे हैं। इस हमले के अलावा हिजबुल्ला ने IDF की रामीम बैरक्स पर भी रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड से हमला किया है। हिजबुल्ला का कहना है कि उसका ये हमला एकदम सटीक रहा और इस हमले के साथ ही हिजबुल्ला ने खैलेट वार्दे इलाके में इजरायली सैनिकों के जमावड़े पर भी बमबारी की। यहां पर भी हिजबुल्ला ने IDF के ऊपर RPG दागे हैं। आपको बता दें कि हिजबुल्ला ने बरम जंगल के इलाके और कफार शोबा की पहाड़ियों में रॉकेट हमले किए हैं। वहीं अल डेर साइट पर तो हिजबुल्ला ने IDF के जासूसी उपकरणों को भी हमले में तबाह कर दिया है।